महानगर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने काली मंदिर से गोलघर की तरफ जाने वाले मार्ग को नो ऑटो रिक्शा जोन घोषित कर दिया है, जिससे सभी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को काली मंदिर से मोड़ दिया जा रहा है। अब ऑटो रिक्शा बुद्धा हॉस्पिटल होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे। यातायात विभाग द्वारा किए गए इस व्यवस्था से गोलघर की सड़कों को जाम से मुक्ति मिल सकती है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। इसका उद्देश्य कि जो ऑटो चालकों के लिए एक मार्ग निर्धारित किया गया है कि बुद्धा हॉस्पिटल से जो है निकल के जाएंगे, और बीच में ये चूँकि एक मार्केट है, गोलघर मार्केट है, यहाँ पे ऑटो चालकों का निरंतर जाना जाना जो है वहाँ पे जाम की स्थिति को करता है, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने ऑटो जोन कर दिया और ऑटो का डाइवर्जन वहाँ से चालू कर दिया। नहीं, ई रिक्शा भी नहीं चलेगा, ऑटो और ई रिक्शा दोनों ही बंद रहेंगे। किधर से जाएंगे ये लोग? बुद्धा हॉस्पिटल से निकल के सिटी मॉल की तरफ से जाएँ। और कोई प्रयास मोदीपुर में किया गया? हाँ, एक हम लोगों ने मोबाइल जो है चौकी टाइप की बनाई है, जिसमें ट्रैफिक के कर्मचारी हमारे उसमें धूप के समय बैठें और उसमें पानी पिए, हवा खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है जिससे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।